हेलो, नमस्ते, वेलकम टू वुमेन कल्चर। हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तब हमारे आसपास के लोग हमारा खूब ध्यान रखते हैं। हमारे खाने पीने का, सोना, उठना, बैठना, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं और हमें कई सारी इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ऐसी ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मेरी एक डाइटिशियन फ्रेंड ने दी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे न्यूबॉर्न्स को बर्थ पे होने वाले जॉन्डिस से बचाने का एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी सॉल्यूशन दिया था और ये सॉल्यूशन हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। Subscribe and click on the bell icon to be the first to watch our videos. न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनमें बिलीरुबिन नाम का एक येलो पिगमेंट होता है जिसका लेवल बहुत हाई होता है, जो एक नॉर्मल बात है। ये येलो पिगमेंट जॉन्डिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मली हमारी लिवर जो है ये इस पिगमेंट को हमारी बॉडी से प्रोसेस कर देती है, बाहर निकाल देती है, लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी का लिवर इटसेल्फ एक डेवलपिंग स्टेज में होता है और एट टाइम्स इतना हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन वो प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न्स को बर्थ पे जॉन्डिस हो जाता है। बट अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप सिर्फ एक चीज को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने बेबी को बर्थ पे होने वाले जॉन्डिस से बचा सकते हैं, और वो एक चीज है गन्ना, शुगर केन। गन्ने का रस हमारी लिवर को स्ट्रेंथ देता है और बिलीरुबिन के लेवल्स को, हमारी बॉडी में जो लेवल्स है बिलीरुबिन के, उसको कंट्रोल करता है। इसलिए अडल्ट्स में भी आपने देखा होगा कि गन्ने का रस एक इफेक्टिव रेमेडी बताया गया है जॉन्डिस से क्विक रिकवरी के लिए। सो प्रेगनेंसी में अगर आप गन्ने का रस इंटेक करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप गन्ना ले सकते हैं, आप गन्ना का रस पी सकते हैं या फिर गन्ना चूस सकते हैं, पीसेस जो आते हैं उनको आप चूस सकते हैं। किसी भी फॉर्म में गन्ने का रस आपके पेट में जाना चाहिए, आपका इंटेक रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बेबी को बर्थ पे होने वाले जॉन्डिस से बचा सकते हैं। वैसे तो आप थ्रू आउट 9 मंथ्स गन्ने का रस इंटेक कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है, बट आपको खास करके ध्यान रखना है अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में, दैट इज जब आपका 7th मंथ स्टार्ट होता है तब से लेके आपकी डिलीवरी तक। मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे गन्ना, गन्ने का रस आपको चूसना है, खाना है, जिस भी फॉर्म में आप चाहें गन्ना इंटेक करते हैं। जैसे ऑन एन एवरेज आप 1 ग्लास गन्ने का रस अगर आप डेली लेते हैं इट इज फाइन, इतना सफिशियंट है। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बेबी को बर्थ पे होने वाले जॉन्डिस से बचा सकते हैं। इतनी सिंपल, इतना इजी और टेस्टी रेमेडी है ये, जिससे आपके बच्चे को बर्थ पे जॉन्डिस नहीं होगा। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मैंने इसे फॉलो किया था। मैं गन्ने का रस डेली बेसिस पे जहाँ तक होता था इंटेक करती थी और मेरे दोनों ही बेबीज को बर्थ पे जॉन्डिस नहीं था। और जब से मुझे इस रेमेडी का पता चला है तब से मैं अपने सभी नोन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी के साथ ये रेमेडी शेयर करती हूँ और उनमें से भी किसी के भी बेबी को बर्थ पे जॉन्डिस नहीं हुआ। सो इतना सिंपल तरीका है और टेस्टी भी है, और गन्ना आई थिंक सभी जगह एक्सेसिबल भी है, इजीली मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें मिलता नहीं है, सीजन रहता है बट ऑन एंड ऑफ आपको इजीली मिल जाता है। सो मॉम टू बीज, आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतना सिंपल तरीका हो सकता है अपने बेबी को बर्थ पे जॉन्डिस से बचाने का। एंड जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मॉम टू बी हैं तो ऑब्वियसली आप ये रेमेडी फॉलो कीजिए, और अगर आपके नोन्स में कोई है या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स घर में कोई भी प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टिप है सब तक पहुंच सके और सभी अपने बेबीज को बर्थ पे होने वाले जॉन्डिस से बचा सके। बिकॉज मैंने देखा है अपने फैमिली में जब बर्थ पे बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है इट इज़ वेरी पेनफुल पूरी फैमिली के लिए, और वो नए बेबी न्यू बॉर्न है वो इतना छोटा है उसके लिए भी बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। बिकॉज बर्थ पे अगर जॉन्डिस होता है बेबी को तो उसे माँ को नहीं दिया जाता, उसे इंक्यूबेटर में फोटोथेरेपी के लिए रखा जाता है, माँ से दूर, मे बी कोई और हॉस्पिटल में शायद, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत पेनफुल होता है। कोई भी एक न्यू मॉम है उसको लगता है मैं अपने बेबी को अपने पास रखूं, अपने अब कडल करूं, हग करूं, सब करने का मन करता है, बट ऐसा नहीं कर पाते हैं बिकॉज बेबी को बर्थ पे जॉन्डिस हो गया। सो इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, और इससे बचने का इतना सिंपल और इजी सॉल्यूशन है तो क्यों ना अपनाया जाए।
सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इम्पॉर्टेंट टिप सभी तक पहुंचे, और ऐसी ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टिप्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय.